फेड के बाद अब आरबीआई की ओर से भी ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद से रियल एस्टेट में बाइंग है, प्लस वैसे भी रियल एस्टेट में पिछले काफ़ी समय से एक बहुत शानदार ट्रैक्शन बना हुआ है। रियल एस्टेट में डिमांड और ग्रोथ कैसी रह सकती है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जुड़े हैं। सिग्नेचर ग्लोबल की लिस्टिंग के भी एक साल हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और इस दौरान कंपनी का स्टॉक प्राइस 225% भागा है लिस्टिंग के बाद। तो प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करें आपने पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन जो इस समय माहौल है उसको देखकर लग रहा है कि क्या आगे भी इस तरीके के रिटर्न्स जनरेट हो सकेंगे? गुड आफ्टरनून अनु जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज मार्केट में डिमांड बनी हुई है, जिस तरीके का एक वॉल्यूम मार्केट में क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में भी इस टाइप के जो यानी जो नंबर्स हैं, जो भी आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं और करेक्ट कर दूं इसे, इन टर्म्स ऑफ आर आज करंट प्राइस के ऊपर लगाएं तो जिस प्राइस पे हमने आईपीओ किया था वो प्राइस था 385 और आज लगभग 4 times ये आईपीओ के प्राइस से हो चुका है। सो जो भी हमारे निवेशक हैं, मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन हुई है और मुझे लगता है उनका एक भरोसा ही है जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में जिस तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक नए बूम की तरफ चल रही है, तो ऑफ कोर्स क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में फिर से ऐसे रिटर्न आपको दिखाई दे। ओके, इस समय ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जो पिछली बार हमारी बात हुई थी उसके बाद से किस तरीके के ऑन ग्राउंड सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आई है या फिर क्या कंसोलिडेशन आया है? सो देखिए अनुज जी, जो डिमांड है उसकी सिचुएशन ये कि डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, सप्लाई भी है, क्योंकि अभी आप रिसेंटली रिपोर्ट देखें तो काफ़ी अच्छा नंबर, लगभग 23% से ज़्यादा कंपेयर टू लास्ट ईयर जो नए लॉन्चेज है वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज हुई है। और खास करके जो मिडिल सेगमेंट है, जहां पर टिकट साइज दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो 2 crore to 4 crore के बीच में, वहां पे डिमांड सबसे ज्यादा इस वक्त बनी हुई है। एक खास करके ऐसे मिडिल क्लास जो अभी पीछे आप देखें कि लग्जरी की डिमांड जैसे बहुत ज्यादा बनी हुई थी, तो ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे कि बाजार में 2 to 4 crore के सेगमेंट को के फ्लैट्स मिल पाए। सो अभी सिग्नेचर ग्लोबल ने कुछ ऐसी इन्वेंट्री जनरेट की है। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जो सोहना रीजन में है, जिसका टिकट साइज लगभग 2 crore है और टोटल जो इन्वेंट्री है हमारे पास उस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 3000 से ज्यादा फ्लैट्स की है। तो एक काफी बड़ी इन्वेंट्री हमने क्रिएट की है मिडिल सेगमेंट के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ एक अच्छा खासा नंबर हम आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इसके लिए जनरेट कर पाए। पता नहीं प्रदीप जी, समझ में नहीं आया रिएक्ट कैसे करूँ। मतलब ये प्रतिष्ठा का विषय है या फिर हमको चुनौती दे रहे हैं? मिडिल क्लास 2 crore to 4 crore के बीच में है ना, गजब। खैर अच्छा छोड़िए, मैं इस पर आऊँगा, लेकिन ये बताइए, नोएडा में आप आ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं नोएडा में, इसके लिए आपने कुछ अमाउंट का प्रोविज़न किया है, नोएडा को लेकर आपकी योजना क्या है, क्या लैंड आइडेंटिफाई कर लिया आपने? सो देखिए, नोएडा एक बहुत पोटेंशियल की मार्केट है ऑफ कोर्स, और क्योंकि अभी तक जितना हमारा कंसंट्रेशन था वो गुरुग्राम मार्केट पर बना हुआ था, और अभी भी जिस तरीके की हमारे पास ऑलरेडी फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट हैं लगभग जो गुरुग्राम में 30 million से ज्यादा के हैं, तो हमें लगता है कि नोएडा एक ऐसी मार्केट है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो काफ़ी डेट पोजीशन भी हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि लगभग 1000 crore to above का हमारा डेट इस वक्त चल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर नोएडा मार्केट इस वक्त हम टेस्ट करें सो ज़रूर हमारे को वहाँ पे कोई सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन क्योंकि आजकल जैसा देखा होगा आपने कि जो अथॉरिटी है वो लैंड ऑक्शंस कर रही है, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले वक्त में जरूर हम आपके पास ऐसी चीज लेकर आएंगे कि यस, नोएडा में भी हम अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। 2025 में शायद एक खुशखबरी जरूर हम आपको दे देंगे। नहीं नहीं, अगर आपने खुशखबरी देने की बात कही है तो मैं बता रहा हूँ कि आपने लैंड वाकई आइडेंटिफाई कर लिया होगा, बट लाइकली टू बी कहाँ? आई मीन नोएडा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सटेंशन, किस तरफ लाइकली टू बी? तो देखिए, नोएडा ही अभी हमारा फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि अभी जो और मार्केट है वो थोड़ा फार है, आप भी समझते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे ऑफकोर्स काफी चर्चा का विषय है क्योंकि तेजी काफी ज्यादा आई है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा डेवलप होने में भी वहाँ टाइम लगेगा। तो एज ए पर्सन मेरी राय है, एज ए यानी एज ए कंपनी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी हम नोएडा जो मेन मार्केट है वहीं कुछ टच बेस करेंगे। तो मैं वीरू की सहूलियत के लिए भी दूसरा फॉलो अप पूछना चाहूंगी, ये भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे
या फिर आप अफोर्डेबल सेगमेंट पर ही टारगेट कर रहे हैं नोएडा मार्केट में जो आप नई प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे? सो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, नोएडा मार्केट के अंदर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लाना पॉसिबल नहीं है। सो ऑफकोर्स वहां पर जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट होगा वो लगभग 4 से 5 करोड़ की सेगमेंट में ही होगा। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग तो अब गुरुग्राम में भी लाना अनवाइबल हो चुका है, क्योंकि लैंड प्राइजेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर गए, रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो एक्चुअली ऑनेस्ट जो मैं अगर आपको कहूँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर से जिसका टिकट साइज 50 लाख रुपए तक का था, वो अब कहीं ना कहीं मार्केट से ऑलमोस्ट ना के बराबर उसकी इन्वेंट्री रह गई। एक अंदाजा अगर दे सके अग्रवाल साहब, रफली रियलाइजेशंस FY25 में कितनी और इम्प्रूव होने की गुंजाइश है? क्योंकि यू नो हर दूसरा बिल्डर एक नई प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है, तो सप्लाई की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद पिछले साल रियलाइजेशंस में लगातार इम्प्रूवमेंट था, तो क्या इस साल इस नए इस FY25 वाले साल में भी आपको वही नजर आ रहा है, और रफली औसतन कितनी रियलाइजेशन और बढ़ेगी? देखिए, अगर आप पर स्क्वायर फीट रिलेशन की बात कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर हमारी रिलेशन रही उससे कुछ ना कुछ इंक्रीज होकर ही आएगी, क्योंकि प्राइजेज इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर जो हमारी रिलेशन थी वो लगभग 12,000 से कुछ कम थी, इस साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो 12,000 से ज्यादा ही होगी। लेकिन एक मैं चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा इस वक्त है। आपने कहा कि हर दूसरा डेवलपर नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, लेकिन आज का जो कस्टमर है उसकी जो चॉइस है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंट्रिक हुई है जितने भी ब्रांडेड डेवलपर्स हैं उनकी तरफ। तो यही एक रीजन है कि जो भी हम जैसे जो डेवलपर्स हैं उनके पास जो कस्टमर का एक रुझान है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। अच्छा प्रदीप जी, देखिए खैर हंसी मजाक अपनी तरफ, लेकिन आज की डेट में भी 2 से 4 करोड़ हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से तो 95-97% लोगों के लिमिट के बाहर होगा। तो क्या अब हम एक स्टेज में पहुंच रहे हैं जहां रियल एस्टेट सिर्फ एक टॉप के 3-4% के लोगों के लिए क्वालिटी रियल एस्टेट रह गई है सिर्फ? सो अनुज जी, मैं इस बात को ऐसे आपका आंसर करना चाहूंगा कि देखिए जो गुरुग्राम मार्केट है उसमें जो टोटल इन्वेंट्री पर ईयर की जो आज की लॉन्चिंग है वो लगभग 15,000 से 16,000 यूनिट की टोटल ही प्रोडक्शन है। आप ये देखिए दिल्ली NCR जहाँ 4 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, और खास करके दिल्ली जैसा शहर जहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, उसके बाद मुझे लगता है गुरुग्राम एक ऐसा एरिया रह जाता है जो एस्पिरेशन भी है लोगों के लिए घर लेने के लिए। सो उनके लिए बेस्ट जो चॉइस है वो गुरुग्राम है, और 15-16 हजार की इन्वेंट्री मुझे नहीं लगता कुछ भी होती है। आने वाले वक्त में मुझे लगता है इन्वेंट्री अगर बढ़ के 25 से 30 हजार भी होती है तो भी जो डिमांड है वो एज इट इज बनी रहेगी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो लेने वाले जो बायर्स हैं वो इस देश के अंदर जिस तरीके जो पॉपुलेशन है उसमें 3 से 4% लोग ही इसको ले पाते हैं, लेकिन जो होम लोन है मुझे लगता है कि उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले इसके अंदर किया है। आज हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जो जॉब करते हैं उससे वो कहीं ना कहीं अपनी EMI दे पाते हैं। तो अभी तक का जो जिस तरीके का मार्केट में डिमांड चल रहा है तो मैं बहुत क्वाइट मेरा मतलब होपफुल हूँ कि आने वाले वक्त में जो डिमांड है अभी बनी रहे। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से लिस्टिंग का 1 साल कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, चलिए इस पर बात करते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, क्या व्यू है रियल एस्टेट पर इस समय आपका, और अगर सिग्नेचर ग्लोबल आपने ट्रैक किया हो इन पर्टिकुलर जिसने काफ़ी शानदार रिटर्न जनरेट किए पिछले 1 साल में? देखिए जनरली तो हमारा भी यही मानना है कि मोटा मोटी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पूरी स्पेस ग्रोथ वगैरह स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। जैसे अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स हैं, जैसे कुछ पॉकेट्स में प्राइसेस थोड़े एबनॉर्मल हो गए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि जिस टाइप की ग्रोथ प्लानिंग है ज़्यादातर कंपनीज जो आउटलुक दे रही हैं उसको अगर आप देख के चले तो मुझे कोई मटेरियल स्लो डाउन अभी भी विजिबल नहीं है रियल एस्टेट में। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल तो एटलीस्ट आपको लगातार ज्यादातर कंपनीज बेटर रिजल्ट्स ही पोस्ट करेंगी। कुछ पॉकेट्स में जो टॉप एंड नेम्स हैं वहाँ शायद वैल्यूएशन थोड़ा सा अग्रेसिव हो, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग केयरफुल हो रहे हैं। बट सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो जिस टाइप के ग्रोथ कंपनी ने पिछले कुछ साल में जमा की है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे जिस टाइप की ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं, प्लस इसके बियॉन्ड भी जो उनकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अगले 2-3 साल काफी बढ़िया ग्रोथ आनी चाहिए। लगभग अभी भी कंपनी 10,000 करोड़ के सेल्स की टारगेट बना रही है 1 साल फॉरवर्ड में,
तो मुझे लगता है ग्रोथ काफी रोबस्ट रह सकती है, 50-60% जैसी टॉप लाइन सीएजीआर अगले 2-3 साल, और बॉटम लाइन में भी 80-90% जैसी सीएजीआर। तो अगर वो वैल्यू वो नंबर्स आते हैं जो आ जाने चाहिए, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है पोस्ट आईपीओ डेट वगैरह का, तो FY26 में लगभग 83, तो मुझे लगता है 20 के मल्टीपल पे भी नहीं है। जिस टाइप की ग्रोथ है, अगर कंसिस्टेंटली कंपनी ये क्लॉक कर पाती है, तो 30 तक का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है 2,000-2,200 रुपए तक के लक्ष्य इसमें आपको मिल जाए आने वाले समय में। ओके, तो सिग्नेचर ग्लोबल एक अच्छा एक्शन देखने को मिला, और आगे आउटलुक भी मजबूत ही है। जो मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है वो आउटलुक भी मजबूत, और जो हमारे फंडामेंटल जानकार कह रहे हैं वो भी आउटलुक मजबूत है।